प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खात्मे के लिए यूपी पुलिस का अभियान ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। खबर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र ग्रेटर नोएडा से है, जहां थाना बीटा 2 पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश को नोएडा पुलिस कई महीनों से तलाश कर रही थी। उस पर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से देसी तमंचा और लूट में प्रयोग होने वाली चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी अमित कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को शाम को ही थाना बीटा 2 पुलिस बदमाशों की तलाश में चेकिंग कर रही थी, तभी एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो बदमाश रुकने की बजाय भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, कुछ दूर जाकर बदमाशों की मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलानी शुरू कर दी। एक गैंग था जो काफी समय से सक्रिय था बीटा 2 क्षेत्र में व गौतम बुद्ध नगर के अन्य थाना क्षेत्रों में। ये चेन शिनाती के लिए कुख्यात गैंग था। इसके ऊपर काफी समय से क्राइम टीम्स जो हैं सभी जोन्स की काम कर रही थी। आज बीटा 2 पुलिस के प्रयास से इसमें सफलता मिली है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यह इस गैंग का मुख्य सरगना तुलसी राम बावरिया, जो कि मुख्य रूप से झिंझाना का रहने वाला है, शामली का, और जो इस क्षेत्र में खासतौर से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली एनसीआर और जयपुर तथा हरिद्वार, इन सभी क्षेत्र में यह एक्टिव रहा है। और जयपुर और हरिद्वार से इस पर इनाम भी है, और नोएडा जोन 3, ग्रेटर नोएडा जोन से भी इस पर 25,000 का इनाम था। आज पुलिस को सूचना थी कि ये यहाँ कुछ घटना करने के लिए आएगा, तो इसलिए इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर टीमें लगाई गई थी डाड़ा गोल चक्कर के पास 130 मीटर रोड पर थाना बीटा 2 क्षेत्र में। तब इसको आते हुए देख करके जब इसको रुकने के लिए कहा गया तो इसने और तेज़ी से अपनी बाइक दौड़ाई। एक टीम के द्वारा इसका पीछा किया गया, दूसरी टीम ने जब इसकी घेराबंदी की तो ये रास्ते में एक यहाँ पास में एक पेड़ से टकरा करके इसकी बाइक जब गिर गई तो इसने उतर करके और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी भी तैयार थी तो उसी क्रॉस फायरिंग में फिर अपने आत्म रक्षा जो फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई उसमें इसको गोली लगी, इसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। वही पुलिस का कहना है मुठभेड़ के दौरान इसका एक साथी योगेंद्र, जो इसका सगा भाई है, वो पुलिस पर गोली चलाता हुआ मौके से भागने में सफल रहा। डीसीपी ने बताया कि घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक तमंचा, कुछ स्पेंट कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल जो कि कई घटनाओं में फुटेज में देखी गई थी वो बरामद हुई है। ये मोटरसाइकिल भी चोरी की है जो दिल्ली जहांगीरपुर से 2021 वर्ष में चुराई गई थी। और इस प्रकार से ये एक मेजर गुड वर्क है जिसे मैं कहना चाहूँगा। इसके साथ एक साथी था इसका, जो इसका सगा भाई है बाबू नाम का, वह मौके से फरार हो गया क्योंकि ये कवरिंग फायर दे रहा था। ये जो व्यक्ति है तुलसीराम बावरिया, ये है चेन छिनैती और इस तरीके की घटनाओं की, लोगों से लूट इत्यादि घटनाओं की, जैसा मैंने बताया 18 मामलों में जयपुर से वांछित है और हरिद्वार से भी कई मामलों में वांछित है। पकड़े गए बदमाश ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया वो टोटके के कारण रविवार को वारदात के लिए नहीं निकलता था, लेकिन इस बार पैसों की जरूरत पड़ने पर अपने भाई के साथ वारदात पर निकला था और पैर तुड़वा बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।